पे हुआ। 23 जून देर रात बस स्टैंड के पास पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिसमें बैंक के फर्नीचर समेत जरूरी कागजात व कंप्यूटर आग में स्वाहा हो गए। गनीमत ये रही कि बैंक में रखा कैश आग की भेंट चढ़ने से बच गया। इस घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने मौका संभालते ही बैंक में पहुंचे और 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पेहुआ DSP समेत बैंक मैनेजर भी मौके पर पहुंचे। चलिए देखते हैं इस घटना पर बैंक मैनेजर व DSP ने क्या कहा। आग लगी है तो क्या कारण है, कितना नुकसान है अभी? आग लगने का कारणों का प्राथमिक तौर पर तो यही सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बाकी सीनियर क्राइम टीम आकर के मुआयना करेगी इसका कि किस प्रकार से आग लगी है। तो सर कितना नुकसान हुआ अभी? अभी बात की थी मैंने मैनेजर साहब से, स्ट्रॉन्ग रूम सेट है इसका, बाकी जो शीशे वगैरह चढ़ते हुए हैं वो नुकसान का आकलन ये बैंक वाले पूरे। तो सर कोई जान मानते हैं? नहीं नहीं सब सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।